yesterday we discussed that all metals when they react with nitric acid they don't evolve hydrogen gas. ठीक है, पढ़ा था हमने. Except of evolving hydrogen gas, they directly gets converted into the water. And there is exception for the magnesium and manganese, which actually reacts with nitric acid and evolve hydrogen. Actually, nitric acid is an oxidizing agent. तो वो जो hydrogen liberate होती है, उसको oxygen की presence में किसमें convert कर देता है? Water में. ठीक है, सो बीइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट ऑक्सीडाइजेस HNO3 एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड. ठीक है, तो रिडक्शन से जो उसके कंपाउंड्स बनते हैं नाइट्रिक एसिड के, दे कैन बी NO2, NO, N2O. ठीक है, तो वो खुद रिड्यूस हो जाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाती है उसमें. नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट वन, राइट डाउन द नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज एक्वा रीजिया? What is aqua regia? इसको हम रॉयल वाटर भी कहते हैं. सिंपल वाटर नहीं है, दिस इज रॉयल वाटर. नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज रॉयल वाटर? फर्स्टली व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्वा रीजिया? इट इज द 3:1 रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, and 1:1 of nitric acid. Okay, now why it is called as royal water? Because it can dissolve gold into it. ठीक है, तो इसीलिए हम इसको royal water कहते हैं. Okay, so it is highly corrosive and fuming. बहुत ज्यादा corrosive होता है aqua regia. Can you imagine how much corrosive is this? कि जो गोल्ड है किसी के साथ नहीं रिएक्ट करता था, वो इसमें क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है. सो दिस इज हाईली क्रोसिव एंड फ्यूमिंग, फ्यूम्स निकलते हैं इसमें से इसके. हाँ, फ्यूम्स बहुत, मतलब थिक थिक वेपर्स निकलते हैं. ठीक है, सो इट कैन डिसॉल्व द नोबल वेपर, नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम इनटू इट. ठीक है, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट इज reaction of metals with the solution of other metals. Reaction of metals with the solution of other metals. अब ये reactions आप 8th में भी पढ़ के आए, that the reaction of copper sulfate with the zinc, iron sulfate with the copper. ठीक है, तो हमने एक का क्या लेना है? सॉल्यूशन लेना है. जैसे सपोज आई एम टेकिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ओके, एंड हियर आई एम जस्ट टेकिंग सिंपली अ मेटल, एक मेटल ले लेते हैं हम, एनी मेटल वी कैन टेक, सपोज आयरन ले लिया मैंने. नाउ यू हैव टू चेक द रिएक्टिविटी ऑफ बोथ आयरन एंड कॉपर, कि इसमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन है. अब जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है. ठीक है, तो कॉपर ये रहा, आयरन ये है, तो ऊपर कौन है? आयरन. सो आयरन विल बी मोर रिएक्टिव. ओके, सो इट विल डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 एंड कॉपर. Now write down the next reaction for ZnSO4 plus copper. ZnSO4 plus copper. हाँ जी, क्यों नो रिएक्शन है बेटा? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. ठीक है, तो हियर देयर विल बी नो रिएक्शन. ठीक है, बैठिए बेटा, आगे लिखो, राइट डाउन द रिएक्शन फॉर AgNO3 एंड कॉपर, सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर, सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर. सो दैट इज गोइंग टू गिव यू कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर. ठीक है जी, क्लियर हो गया?
बैलेंसिंग आपने खुद कर लेनी है, ठीक है। रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, यहाँ पे टू आने चाहिए, यहाँ पर। ओके चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। यहां तक हमने मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हैं, अब चलते हैं नॉन मेटल्स की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स भी ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे कार्बन है, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, एंड देयर ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर विच कैन बी चेक बाय देयर रिएक्शन विद वाटर। हम इनकी रिएक्शन जो है वो वाटर के साथ चेक कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, न्यूट्रल वाटर है, वाटर इज न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज एक्चुअली एसिडिक इन कैरेक्टर, ठीक है। तो वो हमें कैसे पता चलता है, एज इट्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज कार्बोनिक एसिड। सिमिलरली आप सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड की रिएक्शंस कर सकते हो, SO2 प्लस वाटर, सो दिस इज H2SO3, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड। SO3 प्लस वाटर दैट गिव्स सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। सिमिलरली राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस की लिखिए, राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस, P4 plus O2, it gives P2O5. ठीक, ये तो ऑक्साइड बना ना, यहाँ पे इस ऑक्साइड की रिएक्शन होगी, सो दैट गिव्स H3PO4, ठीक है। सो दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, ओके, H3PO4 दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। तो ऐसे जो आपके नॉन मेटल्स हैं, दे आर फॉर्म ऑक्साइड्स एंड वी कैन चेक देयर ऑक्साइड्स वेदर दे आर एसिडिक एंड न्यूट्रल। ऑक्साइड्स कौन कौन से हो जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वाटर है, दे ऑल आर द न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक है। तो एसिडिक के साथ साथ और कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड। नेक्स्ट टाइम रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वॉटर, विल नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वॉटर, नहीं, नो रिएक्शन विद मेटल्स, नो रिएक्शन विद वॉटर। रिएक्शन विद एसिड्स नहीं करेंगे, ठीक है। नॉन मेटल्स दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद वॉटर, दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद द, बट दे विल बी रिएक्टिंग विद बेसिस। सो राइट डाउन वन रिएक्शन ऑफ SO2, SO2 प्लस NaOH, एसिड एंड बेस है, न्यूट्रलाइज करके क्या देगा, Na दैट इज सोडियम सल्फाइड Na2SO3, दैट इज सोडियम सल्फाइड। करवाया था ना आपको मैंने SO3 2 नेगेटिव ग्रुप नाइन्थ में, SO4 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, वहां पे मैंने आपको बताया था सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है, सल्फेट, राइट। सो दैट इज सोडियम सल्फाइड। नेक्स्ट राइट डाउन रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशंस, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जैसे आपने एसिड, जैसे आपने मेटल्स और मेटल्स के सॉल्ट सॉल्यूशन की रिएक्शन लिखी है,
वैसे ही हमने नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के सॉल्ट सॉल्यूशन की रिएक्शन लिखनी है. लाइक वी आर हैविंग NaBr, NaBr इज अ सॉल्ट, जैसे NaCl होता है वैसे ही NaBr हो जाएगा. इसकी रिएक्शन हम करेंगे क्लोरीन के साथ, सो दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ. नाउ इफ आई राइट द रिवर्स ऑफ दिस रिएक्शन दैट विल बी रीजन क्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव देन ब्रोमीन. क्लोरीन की रिएक्टिविटी जो है वो ब्रोमीन से ज्यादा, ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट वाली रिएक्शन हो जाएगी बट जो सेकेंड वाली रिएक्शन है वो नहीं. ओके बेटा वो वेपर स्टेट में है, दे आर इन द गैसियस स्टेट, क्लोरीन है ब्रोमीन है, ठीक है. कमिंग टू द नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी सीरीज, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है. सो हु इज गोइंग टू डिफाइन द रिएक्टिविटी सीरीज, कौन डिफाइन करेगा अब इसको. इफ यू आर आस्क्ड एट द डेफिनेशन ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, सो दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ द मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी. किस ऑर्डर में अरेंज किया है आपने, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटीज, इज द ऑर्डर डिक्रीजिंग वन. जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी जो है वो क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी. सो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज. ओके द मेटल्स दैट आर प्रेजेंट एट द टॉप दे आर हाईली रिएक्टिव एंड द मेटल्स दे आर प्रेजेंट एट द bottom of the reactivity series they are the least reactive, and there is one exception for the hydrogen, ठीक है. अब यहां पर हम क्या कहेंगे कि hydrogen, आपको पता है it can behave both as metals and non metals, दोनों की तरह behavior show करता है. hydrogen से ऊपर वाले जितने भी हैं they will be more reactive than hydrogen, hydrogen से नीचे वाले जितने भी हैं they will be less reactive than hydrogen, ठीक है. तो हम इनको एक्टिव मेटल्स कहते हैं और इनको नॉन एक्टिव मेटल्स कहते हैं, जो हाइड्रोजन के नीचे वाले होते हैं जो जल्दी रिएक्ट नहीं करते. ओके सो दे आर लेस रिएक्टिव, लेस एक्टिव मेटल्स, क्लियर हो गया. और जो ऊपर वाले हैं दे आर मोर एक्टिव मेटल्स. ओके इज दिस क्लियर. चलिए राइट डाउन नेक्स्ट इज आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड नेक्स्ट इज आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन. नाउ दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और the topic can be asked to you that how metals and non-metals react. कैसे metals और non-metals जो हैं वो react करते हैं. दिलप्रीत कैसे करते हैं बेटा, कैसे react करते हैं बेटा, metals and non-metals कैसे react करते हैं. बॉन्ड्स बनाने आ जा. फर्स्टली देयर इज वन क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड ऑफ रिएक्शन, क्यों मेटल को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करने की जरूरत पड़ी. स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या समझते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस. स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट हियर एज नोबल कॉन्फ़िगरेशन. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस हीलियम नियॉन आर्गन, ठीक है. इन वो कह रहे हैं कि हमें भी ये वाली कॉन्फ़िगरेशंस चाहिए, ठीक है. और सिंपली यू कैन से
दे वॉन्ट टू कम्प्लीट देयर, हाइड्रोजन के केस में डबलेट हो जाता है, ठीक है, बाकियों के केस में हम क्या लिखेंगे, ऑक्टेट। हाँ जी, उसके बाद उनकी भी टेंडेंसी होती है ना कंप्लीट करने की। वो डुप्लेट नहीं दिखाते हैं, हाइड्रोजन के लिए विल बी राइटिंग डुप्लेट, ठीक है, उसके बाद जितने भी हैं वो सारे ऑक्टेट की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। डुप्लेट का मीनिंग होता है दो, हाँ, तो वो भी डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा ना, जब रिलीज करेगा तो डुप्लेट कंप्लीट करेगा ना, ठीक है। तो आइदर डुप्लेट और आइदर ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करने की टेंडेंसी करते हैं, इसीलिए हम इनको किस में लेके चलते हैं, आयनिक बॉन्ड्स में लेके चलते हैं, ओके। सो वो कहते हैं कि अगर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन जो है वो स्टेबल हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। सो हाउ दे विल बी बिकमिंग स्टेबल, बाय रिएक्टिंग विद द नॉन मेटल्स, ठीक है। सो इन दिस प्रोसेस देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। Now, how ionic bond is formed? So, ionic bond, it involves the complete transference of electrons from metals to non-metals. So this is how it leads to the formation of ionic bond. ठीक है, मेटल से जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली ट्रांसफर होके किस तरफ चले जाते हैं, नॉन मेटल्स की तरफ। लेट्स टेक द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ NaCl. पहले मैं सोडियम लिखूंगी, रिप्रेजेंटेशन देखो बेटा, सोडियम की क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, 2, 8. Now sodium is in position to lose. इसको lose करने के बाद इसकी configuration stable है. So that will lose one electron and become Na positive and one electron is here. So after releasing one electron, its configuration is 2, 8. Chlorine on the other side, Cl. It will accept this electron and it leads to the formation of Cl negative. Okay, so chlorine ki kaun si configuration thi, 2, 8. Now it becomes 2, 8, 8. ठीक है, अब ये मैंने आपको इस फॉर्म में दिखाया, सेम चीज हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डॉट स्ट्रक्चर्स की फॉर्म है, लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स की फॉर्म्स में लिखेंगे। जो डॉट स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें हमने सिर्फ अकेले जो लास्ट वाले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लिखने होते हैं, ओके। Na है, Na के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, तो मैं उस एक इलेक्ट्रॉन को लिख रही हूँ, बाकी नहीं लिखने, सिर्फ वैलेंस। प्लस यहां पर है Cl, Cl के पास कितने हैं, 7, सो वी विल बी रिप्रेजेंटिंग ऑल दी 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, हाँ जी, क्रॉस शो करेगा कि तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। आप डॉट भी लगा सकते हो, मैं आपको अलग अलग रिप्रेजेंटेशन शो करने के लिए बता रही हूँ कि इसके वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मैं डॉट से शो कर रही हूँ, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मैं क्रॉस से शो कर रही हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। सो व्हेन दिस बॉन्ड इट इज फॉर्म्ड इन दिस इलेक्ट्रॉन इट विल बी शिफ्टेड टू द क्लोरीन, ओके, दिस इलेक्ट्रॉन इट विल बी शिफ्टेड टू क्लोरीन, कॉरेस्पॉन्डिंग Na विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव एंड Cl विल बी कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव विद दिस इलेक्ट्रॉन दैट इट गेट्स फ्रॉम द Na, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ वी विल बी रिप्रेजेंटिंग द
आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर? अभी पहले इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लें, फिर मैं आपको एक और स्ट्रक्चर देती हूँ, ठीक है? पहले इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। आयनिक बॉन्ड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं बेटा? यस, आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कैसे होते हैं? सबसे पहले दे कंसिस्ट ऑफ आयंस, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं? वो किसके बने होते हैं? आयंस के। आयंस इट इंक्लूड कैटायंस एंड एनायंस। ओके, दे आर हार्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। ओके, अब अगर मैं बात करूं NaCl की, सोडियम क्लोराइड की, तो यू मस्ट बी अज्यूमिंग सोडियम क्लोराइड एज NaCl ओनली, बट एक्चुअली दैट स्ट्रक्चर इज नॉट अ सिंगल मॉलिक्यूल। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो, दैट इज एक्चुअली अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जिसको हम थ्री डायमेंशनल ऑब्जर्व करते हैं। उस थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? जो लिंकेजेस आती हैं वो कुछ ऐसी होती है। यहां पर मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है, देयर इज नॉट अ सिंगल मॉलिक्यूल। ओके, सो दे आर कनेक्टेड लाइक दिस। ये एक के साथ एक जो है वो कनेक्टेड होता है, और ऐसे ये लॉन्ग चेन जो है वो क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आपने अज्यूम किया था एज अ सिंगल NaCl, दैट इज नॉट अ सिंगल NaCl स्ट्रक्चर। ठीक है, मेनी NaCl मॉलिक्यूल्स दे कंबाइन टू गिव यू अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसको हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं, या इट अपीयर्स टू यू एज अ लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, वेयर ईच सोडियम इज इन कॉन्टैक्ट विद हाउ मेनी क्लोरीन। यहां पर एक्चुअली आपको चार दिख रहे हैं, बिकॉज दिस इज टू डायमेंशनल व्यू। ब्लैक बोर्ड पे पता, मैं 2D बना सकती हूँ। 3D में क्या होगा? एक क्लोरीन आगे भी होगा, एक क्लोरीन पीछे भी होगा। ये सोडियम है, 1, 2, 3, 4, एक यहां पर होगा, एक इसके पीछे भी होगा। ओके, सो ईच सोडियम इज एसोसिएटेड विद हाउ मेनी क्लोरीन्स? 6 क्लोरीन्स। ठीक है, हर एक सोडियम जो है, ये देखो 1, 2, 3, 4, चार तो आपको शो हो रहे हैं, जो एक आगे वाला है और जो एक पीछे वाला है वो क्लोरीन आपको नहीं शो हो रहे हैं। ठीक है, तो वो मैं 2D में नहीं बना सकती हूँ, बट अगर आप 3D स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें आपको दोनों क्लोरीन जो है वो नजर आएंगे। तो ईच सोडियम इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी क्लोरीन? 6 क्लोरीन्स। ठीक है, बट ये स्ट्रक्चर इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं होता है, अगर आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो टूट जाता है। दैट मीन्स द स्ट्रक्चर बिकम्स ब्रिटल व्हेन यू अप्लाई प्रेशर ऑन इट। ओके, the structure it becomes brittle when you apply pressure on. अब hard है, बीच में कौन सी bonding है इनकी? positive और negative में कौन सी bonding चलती है? ionic bond तो है, forces कौन सी हैं बेटा? ionic bond में कौन सी forces होती हैं? So there operate electrostatic forces of attraction between the positive and the negative ion. तो जो positive और negative ion है उनके बीच में कौन सी forces operate हो रही है? Electrostatic forces of attraction. और इनके कारण, अब देखो positive और negative की क्या tendency है, कि वो दोनों एक दूसरे को एक तरफ खींच रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं।
So that means naturally here the bond that will be formed will be highly stable. Bond ज्यादा stable होगा ना, यहाँ पर जो आयनिक बॉन्ड बनेगा it will be highly stable. तो क्या हम इस बॉन्ड को इजिली तोड़ सकते हैं? Can we break this bond easily? No. So that means it requires high melting and boiling point. Okay? तो थर्ड पॉइंट इनका हो जाता है that their melting and boiling point is very very high. Okay? So they are having high melting and boiling point. Coming to the next. High melting point, boiling point. Solubility in water. Coming to the next point is solubility in water. अब यहां पर आपने एक चीज याद रखनी है बेटा हमेशा. Like dissolves like. जो जैसा है वो अपने अंदर वैसी चीजों को क्या करेगा? डिसॉल्व करवाएगा. ठीक है, आपकी जैसी नेचर है आप वैसे ही फ्रेंड्स ढूंढोगे. ठीक है, तो सेम इज द केस विद द सॉल्वेंट्स एंड द सॉल्यूट. लाइक डिसॉल्व्स लाइक. ओके, अब इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास कोई पोलर सॉल्वेंट है लाइक वॉटर. वॉटर इज अ पोलर सॉल्वेंट विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड दी नेगेटिव आयंस. एच पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है. तो ये क्या हो गया, एक तरह से पोलर स्पीशीज हो गई है, आयनिक स्पीशीज हो गई है, आयंस वाली. तो उसकी क्या टेंडेंसी होगी कि मैं अपने अंदर कैसी चीजों को डिसॉल्व करवाऊं? जो आयंस वाली हो, जो आयंस वाली हो. यानी कि जो आपके आयनिक कंपाउंड हैं वो जल्दी किस में डिसॉल्व करेंगे? वॉटर. ओके, आयनिक कंपाउंड्स दे विल रेडिली डिसॉल्व इन द वॉटर और द एक्वा सॉल्यूशन एज कंपेयर टू द अदर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन हो गया, एल्कोहल हो गया, टॉलुइन हो गया. ठीक है, क्लोरोफॉर्म हो गया, इनमें ये जल्दी डिसॉल्व नहीं करेंगे. वो कहते हैं हम जैसे हैं हम वैसों में ही क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे. तो अगर कोई चीज पोलर है तो उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे, नहीं है तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे. द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट ओनली. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड स्टेट. तो जब तक वो सॉलिड स्टेट में है, जब तक वो लैटिस स्ट्रक्चर में है, तब तक वो जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करे. ठीक है, जैसे हमने एसिड ऑन बेसिस पढ़ा था कि एसिड और बेस अपना बिहेवियर कब शो करते हैं? When they are mixed with water. So same is the case with the ionic compound. Ionic compound का मैंने आपको अभी structure बताया था, कैसा था? Lattice structure था, जहां पर ये जो ions हैं, they are actually not free. Free नहीं है. अगर मैं इस sodium की बात करूं तो ये sodium free नहीं है यहाँ पे. It is in contact with the chlorine. तो वो chlorine उसको जाने नहीं दे रहे हैं, मूव नहीं करने दे रहे हैं. ठीक है, सो व्हेन दे आर एक्चुअली डिसॉल्व इन वाटर दे बिकम फ्री. वो क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं. ओके, सो दैट मींस दिस स्ट्रक्चर इट ब्रेक्स डाउन. ये जो लैटिस स्ट्रक्चर है ये क्या कर जाता है? टूट जाता है. और जो आयंस हैं आपके दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव. तो जो पॉजिटिव वाले हैं उनकी तरफ क्लोराइड आयंस आ जाएंगे जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे, और जो नेगेटिव है उनकी साइड सोडियम जो है वो आ जाएंगे. ओके, बट दैट ओनली हैपेंस इन द मोल्टन और सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन द सॉलिड स्टेट, क्योंकि सॉलिड स्टेट में दे आर बीइंग अटैच्ड. नाउ राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड.
मैग्नीशियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाओ। फॉर्म द स्ट्रक्चर फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड। सो विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीट, जहां तक आपका PT2 में आना है। ओके, नो अकरेंस ऑफ मेटल्स एंड मेटलर्जी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज देयर। अब PT2 तक इतना ही आना है। इसके बाद आपके दो चैप्टर्स रह जाएंगे ना, तो वो टर्म 2 के लिए हैं। ठीक है, हैव यू फॉर्म द स्ट्रक्चर फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड? व्हाट इज द कॉन्फिगरेशन फॉर मैग्नीशियम? अब 9th वाला सारा याद आ रहा है कि नहीं? ठीक है, प्लस क्लोरीन, एक क्लोरीन लगाऊं कि दो? क्योंकि यहां पर इसने कितने रिलीज करने हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने हैं। ठीक है, सो वी विल बी अटैचिंग 2 क्लोरीन हियर, क्योंकि क्लोरीन को तो एक चाहिए। मैग्नीशियम कह रहा मैं तो दो देने को तैयार हूँ, फिर कहता है एक और क्लोरीन ले ले। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस मैग्नीशियम के ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लिखेंगे वैलेंस, एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे और एक इलेक्ट्रॉन इसको। ओके, एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव, दैट इज एक्चुअली 2,8, एंड हेयर 1 क्लोरीन। That is 288, and here is the second chlorine. Okay, with negative sign. So 2 positive को किसने balance कर लिया है? 2 negative. Write down the next structure. For aluminium oxide. Aluminium oxide.